हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए संसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के अभी यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि हमारी जो छात्रवृत्ति या फीस प्रतिपूर्ति नहीं आ पाई थी वो अब आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप या फीस प्रतिपूर्ति आ भी सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित न्यूज़ के लिए सबसे पहले गूगल पर आकर आपको सर्च करना है फास्ट जॉब सर्चर्स डॉट इन्फो। इस टैब से लिखकर आप यहां गूगल पर सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहां फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी www.fastjobsearchers.info। इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को यहां से आपको ओपन कर लेना है। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई है, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है यूपी स्कॉलरशिप चेक पेमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़ लगातार प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, SC ST के 70% सामान्य वर्ग के 85% छात्रों को शुल्क भरपाई। ये न्यूज कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अमर उजाला के न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे 60% से कम अंक वाले सामान्य छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी इस बार। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको लगातार समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, यहाँ पर कुछ समय पहले ही आपको ये जानकारी दे दी गई थी कि SC ST ठीक है के 70% यानी कि सभी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही जनरल वर्ग के 85% छात्रों को शुल्क भरपाई यहाँ पर की जाएगी। ऐसे में जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि ऐसे में उनकी छात्रवृत्ति नहीं आ पाई है, तो अब आपकी जो छात्रवृत्ति है वो किसी भी कंडीशन में आना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस समय प्रदेश भर में, इसके साथ साथ संपूर्ण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति क्यों, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। इस समय गवर्नमेंट का पूरा ध्यान कोरोना वायरस से हमारे देश और प्रदेश को पूरी तरह सुरक्षित रखने पर है, ताकि यहाँ पर देश का प्रत्येक नागरिक इस महामारी से बच सके। ऐसे में जो स्टूडेंट्स छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं, उनके लिए पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ दी गई थी कि जो स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति नहीं आ पाई है, उन सभी की छात्रवृत्ति 31 मार्च तक प्रोवाइड की जाएगी। चाहे आप जनरल के स्टूडेंट्स हों, OBC के स्टूडेंट्स हों, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हों, SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताया गया है कि SC और ST कैंडिडेट्स की जो छात्रवृत्ति है वो अगले शैक्षिक सन में भी आ सकती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से आपका न्यू शैक्षिक सन स्टार्ट हो चुका है और अब गवर्नमेंट का जो पूरा ध्यान है वो नए शैक्षिक सन पर ही होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति अब नहीं आ पाई है, अब गवर्नमेंट उनको छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं करने वाली है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते होंगे, पहले ये जो न्यूज प्रकाशित की गई थी, इसमें भी यहाँ पर बताया गया था कि उपलब्ध बजट में सभी को नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जनरल OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी छात्रवृत्ति तो किसी भी कंडीशन में अब आने वाली नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए पहले भी ये न्यूज दी गई थी। जहाँ तक छात्रवृत्ति का सवाल है, बजट को देखते हुए SC ST के सभी पात्र छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, जो कि 2019-20 शैक्षिक सन के लिए था। इसका बजट केंद्र सरकार देती है, इसलिए बचे हुए छात्रों को अगले सन में भुगतान हो जाएगा। यदि आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी छात्रवृत्ति या फीस प्रतिपूर्ति नहीं आ पाई है, तो अब आपको नए शैक्षिक सन जो कि अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है 2020-21 वाला, इसमें आपको पूरी तरह से आपकी जो छात्रवृत्ति या फिर फीस प्रतिपूर्ति रह गई है, गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पर ध्यान होगा कि जो स्टूडेंट्स पहले वंचित रह गए थे SC ST के, उनको चालू शैक्षिक सन में छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति प्रोवाइड की जाए। ऐसा पिछले वर्षों में भी देखने के लिए मिल चुका है कि जिन स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति या फीस प्रतिपूर्ति चालू शैक्षिक सन में नहीं आई थी, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने नए शैक्षिक सन में उन्हें छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति प्रोवाइड की थी। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जनरल ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे में उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है या फिर फीस प्रतिपूर्ति नहीं आई है। तो वो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर परेशान ना हो, गवर्नमेंट ने आपको 31 मार्च तक जितना भी बजट था वो बांट दिया है और अब गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा इरादा नहीं होगा कि अब आपको और बजट दिया जाए, क्योंकि इस समय देशभर में आपको पता ही होगा किस समय किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स SC ST से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, नए शैक्षिक सन में उन्हें छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।